रायपुर नगर निगम में मेयर एंड काउंसिल की बैठक आहूत की गई, जिसमें 14 विषयों पर बैठक में चर्चा हुई। बैठक के बाद महापौर एजाज ढेबर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पेंशन के मुद्दे पर पानी टंकी जैसे खामदे इलाके में पानी को अभी भी बहुत समस्या है, जिसके लिए टंकी बनाने के लिए प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है। स्टार्टअप योजना की भी तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही गारमेंट फैक्ट्री में महिलाओं के लिए भी बैठक में स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए ठेकेदार को नियुक्त किया जाएगा। इसमें 1000 महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और कुछ नामकरण के भी मुद्दे बैठक में उठाए जाएंगे। लगभग 14 विषय पर चर्चा हुई है और जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे उस पर अगर हम बात करें तो पेंशन से संबंधित मुद्दे थे और कुछ पानी टंकी, क्योंकि खमाड़ी इलाके में अभी बहुत जगह है जहां पर पानी का प्रॉब्लम है, तो वहां टंकी बनाने का प्रस्ताव हमने शासन को भेजा है। उसके अलावा जो स्टार्टअप की हमने बात किए थे, हमारे बजट में भी था कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे यहाँ के जो अच्छे जो कलाकार हैं, उनके लिए एक मंच प्रदान करने की बात हुई थी, हमने अपने बजट में रखा था। तो इसको हम जो हमारा मल्टी लेवल पार्किंग है वहाँ पर हम लोग उनको एक हॉल दे रहे हैं, तो ये भी आज की मेयर इन काउंसिल की बैठक में डिसाइड हुआ है कि उनको देना है। उसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट फैक्ट्री है वहाँ पर जो महिलाओं को जो हम लोग को कढ़ाई और सिलाई का जो काम देना है, तो उसके लिए भी हमने आज स्वीकृति आज की मेयरिंग काउंसिल में दी है कि उसके लिए कोई भी एक ठेकेदार या उसके लिए कोई नियुक्त हो जिसमें पूरा सेटअप को करीब 1000 महिलाओं को उसमें रोजगार मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पेंशन से संबंधित मुद्दे थे, ऐसे करके टोटल 14 मुद्दे थे, कुछ नामकरण के भी मुद्दे थे, सभी सर्वसम्मति से पास हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये उसके पहले लगता है कि 3-4 दिन में वो लग जाएगी, लगता है 4 सही था, तो उसके पहले जितने भी हमारी चर्चाएं थी पानी को लेकर, इसको लेकर, वो लगभग सभी एजेंडे पास हो गए।